हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं डिम्पी से मिलने के लिए आया हूँ और डिम्पी मेरे को पाटेश्वर धाम लेके आई है। बहुत बारिश हो रहा है यहाँ पे और सुरजू भैया भी हैं साथ में और ये पीयूष भी है साथ में। और जो पीछे आप जो देख रहे हैं जो बिल्डिंग है ना, वही है पाटेश्वर धाम का मंदिर। अभी वो बन रहा है और इसके ऊपर में और पहाड़ है, कहीं से जाते हैं रास्ता वहाँ पे और है इसका पुराना जो मंदिर है। बाकी भीग चुके हैं हम लोग थोड़ा बहुत। तो गाइस अभी पानी थोड़ा कम हो गया है तो हम लोग अभी मंदिर के साइड जा सकते हैं और एंट्री कर सकते हैं, मंदिर में दर्शन ले सकते हैं भगवान का। और ये मंदिर 20 सालों से बनी रहा है, अभी तक इनकम्प्लीट है और बन ही रहा है। तो गाइस अभी हम लोग मंदिर का दर्शन कर लिए हैं, अभी ऊपर में एक और मंदिर है, वहाँ पे और जाना है हम लोग को। आधे लोग हमारे साथी लोग आगे चले गए हैं, हम लोग भी जाएंगे अभी धीरे धीरे। और ये मंदिर अभी तक बन ही रहा है, इनकम्प्लीट है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत ही अच्छा प्लेस है, अभी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे कुंड है और इस कुंड में बहुत सारे कछुए हैं, तो वो दिखाते हैं आप लोग। और वो दृष्टि भी देख रही है, बहुत खुश हो गई है देख के। तो गाइज अभी आप लोग देखिए हम लोग कछुआ सांप वगैरह ये सब देखे। और मैं तो यहाँ पहली बार आ रहा हूँ, यहाँ डिम्पी आ चुकी है पहले से, तो यही लेके आई है हम लोग को रास्ता दिखाते दिखाते। किसके साथ आई थी डिम्पी? पापा, मेघा, दृष्टि, सुरजू मामा। डिम्पी का ये दूसरी बार आ रही है ना। और बच्चे लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही खुश हैं एकदम, इन लोग तो जैसे मजा ही आ गया। और गाइज यहाँ पे आम का और जाम का बहुत सारे फल वाले वृक्ष यहाँ पे प्लांटेशन करके रखे हैं। बंदर यहाँ के सारे फल वगैरह खा लिए हैं तो हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। नींबू वगैरह का भी प्लांटेशन यहाँ पे है, नींबू खट्टा है शायद इसलिए बंदर लोग नहीं तोड़ पाए उसको। बाकी और भी बेल वगैरह है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ वगैरह यहाँ पे प्लांटेशन करके रखे हैं मंदिर में। ये है श्री राम जानकी कूप और यहाँ का पानी बहुत ही ठंडा रहता है। और यहाँ पे भी कछुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग, सब जगह कछुआ ही कछुआ। तो गाइज ये मेरे पीछे है जो वो नींबू का पेड़ है, डिम्पी हाथ दिखा रही है बेल का पेड़ है और ये आम का पेड़ है। सब बंदर लोग खा लिए हैं और कुछ कुछ फल ये सबको नहीं खाए हैं, बेल वगैरह थोड़ा हार्ड रहता है तो नहीं खा पाए हैं। बाकी बहुत ही अच्छा जगह है ये। सुरजू भैया को कुछ तो फल मिल गया है, करौंदा नाम का। ये देखो सुरजू भैया को एक फल मिल गया है। क्या है? करौंदा। करौंदा फल पक गया भैया, ये ना खा सकते हैं? कच्चा है, नहीं पक गया। तो टेस्ट करके देखते हैं। खट्टा। काफी खट्टा है, बाकी अच्छा है। इसका अचार वगैरह भी बनाते हैं शायद घर में। बहुत सारा फल हुआ है। ये भी कुछ है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप का लग रहा है। बहुत ही अच्छा कैंपस है मंदिर का। और भी मतलब बोल रहे थे भैया कि 20 साल से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है और अभी तक आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी और 20 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। बहुत ही मस्त मंदिर है फ्रेंड्स, दिन भर यहाँ पे घूमते रहो, मज़े ही मस्त, टाइम पास है, एक नंबर जगह। आसपास में पूरा जंगल ही जंगल है, पहाड़ के बीच में है, बहुत ही मज़ा आएगा, पूरा दिन कट जाए यहाँ पे मैं तो। और ये फ्रेंड्स एक और एक यहाँ पे पहले का बनाया हुआ मंदिर है, ये शायद यहाँ पे हवन वगैरह होता है। इसको पूरा लकड़ी से बनाया गया है, ऊपर का नीचे पिलर है वो सीमेंट के हैं, बाकी सब ऊपर पैरा से और लकड़ी से बनाया गया है।
अंदर से दिखाता हूँ मैं आप लोग को। वो तो ऐसे इसको स्ट्रक्चर से बनाया गया, चाइनीज मूवी के फिल्मों में देखे होगे आप लोग, ऐसे इसी टाइप का बना हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे हवन होता है। और ये अभी हम लोग मंदिर के पीछे वाले लोकेशन में आ गए हैं। तो अभी गाइज हम लोग मंदिर के ऊपर से देखते हैं व्यू कैसा है। पूरे पत्थर ही पत्थर, रेड कलर का पत्थर है, उससे ही पूरा मंदिर को बनाए हुए हैं। जी देखो फ्रेंड्स, अभी बनी रहा है इसके ऊपर, दो मंजिल का और बनेगा। और अभी हो ही रहा है कंस्ट्रक्शन, बचा ही है यहाँ पे। इसके ऊपर यहाँ पे एक फ्लोर बनेगा, इसके ऊपर एक और फ्लोर बनेगा। और ये श्री हनुमान जी का मंदिर है, पंचमुखी अवतार में है हनुमान जी। ये है, ऐसे बनाते हैं पहले, फिर इसके ऊपर में ऐसे पिलर खड़े करते हैं। और बाकी तो आसपास नेचर ही नेचर। तो गाइज अभी यहाँ पे भंडारा भी लगा हुआ है, और रोज ही यहाँ पे 12 घंटे मतलब सुबह से लेकर रात तक का भंडारा लगा रहता है। तो यहाँ का ऐसा सीन कि आप लोग यहाँ पे सब थाली वगैरह पीछे लगा रहता है वहाँ पे। तो अभी हम लोग थाली वगैरह ले लिए हैं। तो गाइज अभी हम लोग का तो हो गया भंडारा खाली है। गाइज मौसम भी खुल गया है। तो गाइज अभी हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से घर की ओर, आप डायरेक्ट केवटी चलेंगे। आते यहाँ आने का तो मैं बना नहीं पाया, यहाँ आने के बाद मेरे को लगा कि यहाँ वीडियो बनाना चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ आके बनाया। तो गाइज अभी हम लोग चल रहे हैं। तो गाइज अभी हम लोग इस वक्त गाड़ी में बैठ गए हैं और अभी केवटी के लिए जाएंगे अभी। तो गाइज अभी हम लोग दिल्ली राजरा पहुंच गए हैं। तो गाइज अभी क्योटी जाते जाते हम लोग डोंडी पहुंचे हैं। तो यहाँ का बाजार है, तो अभी घर के लिए कुछ कुछ सब्जी वगैरह लेते हुए जाएंगे हम लोग। तो गाइज अभी हम लोग को झोला लेना है, सब्जी वगैरह कैरी करने के लिए झोला चाहिए। तो गाइज झोला ले लिए हैं अभी, और अभी मार्केट के अंदर जाके देखते हैं कितना बड़ा डोंडी का लगता है मार्केट। सैटरडे को लगता है यहाँ का बाजार। टमाटर कैसे किलो? 20 रुपया। हेलो भैया, काफी क्राउड है यहाँ पे, बहुत ज्यादा भीड़ है। बाकी सब्जी वगैरह बहुत सस्ता है यहाँ पे। हम लोग का तो हो गया मार्केट, अभी लास्ट में कुछ मीठा चीज लेते हैं और फिर चलते हैं अपना, हो गया। तो गाइस बाजार तो हो गया हम लोग का, अभी एक लास्ट चीज वो भजिया लेने के लिए गया पीयूष, उसके बाद फिर गाड़ी में बैठ के सीधे केवटी। तो गाइस अभी हम लोग भानु प्रतापपुर पहुंच गए हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर और है केवटी। यहाँ पे एक हम लोग का सामान आने वाला है, इसके लिए रुके हुए हम लोग भानु प्रतापपुर के नाका के पास, और हमारे भैया लोग आ गए सामान लेके।